बड़ो बहु। असली जीत क्या होती है अब मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा। इस बात का फैसला करने का सिर्फ एक तरीका से, और वो तरीका है दंगल। मैं पहलवान राणा सिंह अलावत सन 2016 आयरन मैन का उप विजेता, आयरन मैन के विजेता लाखा सिंह अलावत को एक बार फिर से आयरन मैन के दंगल की चुनौती देता हूं। बोल मंजूर है कि नहीं? वो जी आप ही जाओ और यो चुनौती रद्द करवा दीजिए ना। ये बहुत देर हो गई है बड़ो, एक तू चाह कर भी ना कुछ ना कर सकते। पिंकी भाभी कुछ भी करेगी, किसी भी हद तक जाएंगी और ये कुश्ती होके रहेगी। पिंकी आज तो ना जो पासा पलटा है ना राणा को आयरन मैन का चैलेंज करवा के, आज मैं कितनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। मारे को इस बात की उम्मीद है कि वो दंगल अखाड़े तक ही सीमित रहा है। इसका परिणाम जरूर इस घर की नीम के हलाके दे देगा। हाय हाय मालती, तेरी इस बहू की वजह से आज इस खानदान का नाम कतई मट्टी में मिल गया। मैं यो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से किसी को आपके नाम पे कीचड़ उछालने का मौका मिले, इसलिए यो पोस्टर कहीं नहीं बटेंगे। लकी जी आपके कंधे पे चोट लगी। लकी जी के कंधे पे चोट? अब अपने नाम की भी नाम पट्टी खोल ले। ना माँ, आज मेरे नाम की नाम प्लेट ना लगे। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? आपके नाम की नाम पट्टी क्यों नहीं है? मैंने तेरे नाम की नाम प्लेट बनवाई से। हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर की बहू बेटी इस गाँव का, इस शहर का, इस देश का नाम रोशन करे, तो उसे वो करने दो जो वो करना चाहती है। उसको उसके नाम की पहचान दो, तभी वो उस मुकाम पे पहुंच पाएगी जिसकी वो हकदार है। ये घनी अच्छी बात है लाखा जी, मैंने अपने पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा ना देखा किसी ने भी अपनी बहू बेटियों का नाम अपने घर की नाम पट्टी पर लिखवाया हो। मैं आपका खास धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यो पहल करके एक खास बात रखी है कि घर की पहचान मर्दों से ना, गृहस्थ में रहने वाली महिलाओं से भी होती है। बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद हो तो ये बड़ों के नाम प्लेट में लगा दूं। पहले इधर आ। भाई तेरे विचार तो बहुत बड़े हो गए हैं। मारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, और आज मैं बड़े गर्व से और पूरे हक से तुझे हुक्म देता हूं, ये जो हमारी बिटिया है ना, इसकी नाम की पट्टी इस घर के बाहर लगा दे। माफ करना देवर जी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नाना भाभी ऐसे कोई बात ना सर, कोई काम था। देवर जी मैंने आपको एक चिट्ठी देनी थी। आयरन मैन कमेटी वालों ने यो कुश्ती को परमिशन दे दी सर, और वो भी वो तारीख को जिस तारीख को फैसला हुआ था। पर भाभी इतनी जल्दी? इब मैच तो मैच ही होवे ना, जल्द से जल्द हो जाए तो ही ठीक से, नहीं तो क्या है ना घर में खामोखा तनाव बना रहेगा। ये
मन ने प्रज्ञा का पग फेरा जल्द से जल्द करवाना होगा। ये वो ही अपने भाइयों को लड़ने से रोक सकती है। पिंकी रुक, बैठना। घने दिनों से बात नहीं की, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू ठीक से ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे चिंता की भी के बात, दंगल में तो जो होना है वही होगा, वो तो पहलवानों के बीच की बात से। और रहा चुनाव का मामला, मन्ने तो इस बात की घनी खुशी हो रही से कि बाबूजी चुनाव जीत जाएंगे। के नू बोली बड़ो? हाँ हाँ माझी, बड़ो ने बिल्कुल यही कहा। नू देखा जा तो सही बोल रही है बड़ो। अगर हमने और लोगों का वोट चाहिए तो हमने अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी, और राणा के बापू को दयावान बनकर दिखाना पड़ेगा। पर माझी, आपने प्रज्ञा को अगर यूं माफ कर दिया तो लोग तो आपको टोकला इंसान समझेंगे, समझेंगे कि अपनी ही छोरी से माफ कर दिया। पर और कोई चारा भी तो ना से, बाबूजी की नेक और दयालु छवि भी बनानी से, तो उसके लिए तो यो करना ही पड़ेगा। कौन से दुविधा में फंस गए हम लोग माजी, इब यो समस्या का के हाल निकलेगा? पिंकी बहू जी, तू अपना दिमाग घना खर्च ना करे। फिर मैं वैसे दिमाग कम होता है, घना सोचेगी तो उम्र का पहले ही ढल जाएगी और तेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएगी। जाकर खबर दे दे पावली कहीं की। बहु बल्ला पल्ला पड़गी मारे तो। देखिए करूं, मने भरी पंचायत में और इस गांव के सामने यो बोला था कि यो छोरी आज ते ही मारे लिए मर गई है। हमने जो सबके सामने प्रण लिया था उसे यूं ना तोड़ सकते। इस घर में हमारी छोरी के लिए कोई जगह ना है। तुम्हारे को सच सच पता, तेजी जी आने वाले हैं ना? मन्ने तेजी ने कहा कि वो बस स्टैंड ना आ पाएगा तुझे लेने। आज ही मैं प्रज्ञा से बात करूंगी कि वो दोनों भाइयों से बात करे, उन्हें समझाए। अभी ना वो दिल्ली में, तभी तुझको दिल्ली बुला रहा है। मैं बहुत जल्दी यहाँ से निकलती हूँ, मैं समय पे पहुँच जाऊँ। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, सेल लगा के खड़ा हूँ यहाँ पे आपकी, कि आप आएंगी, मैं आपको टैक्सी में बैठाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा। कम ऑन भाभी जी। ठीक पा, आई बैठ। कम ऑन, तुमने सुना होगा ना कि भभूति जी आजकल टैक्सी ड्राइवर बन गए हैं। हाँ तो बेटे, उनकी टैक्सी जो ऐसी खराब करनी है कि दुनिया का कोई भी मैकेनिक उसे ठीक ना कर पाए। एक बात कान खोल के सुन लो, हम अपने सूलन के साथ ना गद्दारी नहीं कर सकते। कहाँ खड़ी करते विभूति भैया अपनी टैक्सी? तुम्हारे इस फैसले का असर दो परिवारों पर पड़ रहा है, और अगर परिवार की बात जाने भी दो तो कम से कम विशु के बारे में तो सोचो। अब हम पापा और बाबूजी का क्या करें? देखा जाए तो वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं बोल रहे। अरे कानून के देवता भी आए हैं, वकीलों बाबू लिपस्टिक लगाने लगे आजकल। लिपस्टिक? अरे नहीं नहीं, वो बस दाग रह गया। तो जरा ध्यान रखा कीजिए ना वकील साहब। भाभी जी के बाद इस घर में मैं बड़ी हूं मासा, इसलिए तिजोरी की चाबी मेरे पास होनी चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अगर घर वालों में से किसी ने देखा तो? मुझे कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा तुम्हें देखना बहुत जरूरी था। सुन, वैसे तुमने रणवीर के साथ कुछ किया तो नहीं ना? मेरी सुम्मी अब तक सिर्फ मेरी ही है ना? तुमने खाना खाया क्या? देखो मैंने मम्मी जी के विश्वास के लिए व्रत रखा है, और वैसे भी हम दोनों ना झूठों की लिस्ट पे टॉप पे, तो एटलीस्ट एक काम तो सच्चाई से करना चाहिए ना। एक सच्चाई वाला काम करने से पिछले सारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे ना? तू मीरा को परेशान करना बंद कर दे, वरना तेरी परेशानी बढ़ जाएगी। अच्छा तो अब समझ में आया,
अरे क्यों मजाक कर रहे हो आप यार? अच्छा बताओ कौन बोल रहा है? ओ, तो तू इसे हंसी मजाक की बात समझ रहा है? देख सीधी तरह से समझ जा, अगर तूने मीरा को और परेशान किया ना तो ध्यान रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। जी, वो हम बगीचे के लिए कुछ नए पौधे लाए, आप चलकर देख लीजिए कौन से कहाँ लगाने। ठीक है मैं अभी खा रहा हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। देखा आपने, एक बात के पीछे पड़ता है तो बस पड़ ही जाता है। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये, रखना जरूरी है क्या इसे? इसे पैसा देकर हटा देते हैं ना। ठहरो नंदरानी, हम यजमान के हाथों से सीधे अपने हाथों में भोज ग्रहण करते हैं, ये ब्रह्मश्री का नियम है। हमें भोज दो। जी। मुझे जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। आपने तो अपने ही घर में छुपा दिया। काम हो गया? हाँ वीर जी, काम तो हो गया, बस सुबह होने का इंतजार है और पंचायत के सामने उस चंदर का भांडा फोड़ देंगे। ये अच्छा किया तुम लोगों। सिमी दीदी ठीक है ना? आपके पास ही है ना वो? हाँ, वो मेरे पास ही है। कहाँ है?